रूपानी ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट का मामला, अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 डायरेक्टर्स को हिरासत में भेज दिया है। ऑडिटर्स को दस्तावेज नहीं सौंपने तक हिरासत में भेजा गया है। आशीष सिन्हा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास चलेंगे। आशीष, क्या जानकारी इस बारे में? आम्रपाली पर अब गाज गिरी है और 3 डायरेक्टर्स को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। देखिए, ऐसा पहली बार होगा रोहित कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 डायरेक्टर्स को समन किया हो, 3 बिल्डर्स को, और उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही डायरेक्ट पुलिस कस्टडी में भेजा हो। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से नाराजगी जताई और कहा कि हमने सभी दस्तावेज देने को कहा था लेकिन आपने दस्तावेज नहीं दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप कोर्ट के साथ हाइड एंड सीक ना करें, ना खेलें। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन 3 डायरेक्टर्स को पुलिस कस्टडी में भेजा और ये भी साफ कर दिया कि आपको पुलिस कस्टडी में 1 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें वो दस्तावेज चाहिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस और ग्रेटर नोएडा पुलिस को आपस में समन्वय करने और सारे अकाउंट संबंधी रिकॉर्ड सीज कर ऑडिट को देने को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 डायरेक्टर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना के तहत नोटिस भी जारी किया है। एक बड़ी खबर और बायर्स के लिए बड़ी राहत, क्योंकि हर ये बायर्स चाहता है कि जिन्होंने उन्हें घर का सपना तोड़ा उन्हें कम से कम जेल भेजा जाए और रिकवरी की जाए। इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आम्रपाली ग्रुप की मुसीबतें जो है वो बढ़ती ही जा रही है।